टू माय चैनल, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपके साथ चिली गार्लिक पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो यहां पर मैंने सादा गेहूं का आटा लिया है, डो तैयार करके रखा है, 10 से 12 लहसुन को बारीक काटा है, हरी मिर्ची को काटा है, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। तो सबसे पहले हम इस पराठे को बनाने के लिए इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दो पराठे आपको बनाकर बता रही हूँ। तो दोनों पराठे की सबसे पहले तो मैं लोई तोड़ लेती हूँ और खूब अच्छी तरह से इसे गोल गोल हम लोई को कर लें। चिली गार्लिक पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। आप चाहें तो मैदे के आटे से भी इसे बना सकते हैं, परंतु गेहूं के आटे से बनाए तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने सब तैयारी कर ली है। दोनों लोइयों को बढ़िया अच्छा पलथन में लगा लेती हूँ और फिर जैसे कि हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हम इसे गोल गोल बेल लेंगे। तो इस पराठे को बनाने के लिए मैंने अच्छी बड़े साइज़ की रोटी बेल ली है, ये देखिए। अब इसमें आपको लगाना है आधा चम्मच घी। आप चाहें तो घी लगाएं, यदि आपको तेल के पराठे पसंद है तो आप आधा चम्मच इसमें तेल लगाएं, खूब अच्छी तरह से फैलाएं। हल्का सा मैंने आटे को स्प्रिंकल कर दिया है जिससे कि इसकी सभी लेयर आसानी से खुल सकें। और जैसे दोस्तों हम लोग पंखा बनाते थे पहले कागज का, बिल्कुल वैसे ही मैं इस कागज़ की तरह ही इसे फोल्ड करती जा रही हूँ। तो बस पूरे फोल्ड करने के बाद इस लोई को, इस पट्टी को मैं हल्का सा खींच कर इस तरह से गोल गोल करूँगी और इसके जो किनारे का हिस्सा है आप पीछे की तरफ लाकर इसे हल्का सा प्रेस कर दें, चिपक जाएगा। तो ये हमारे चिली गार्लिक पराठे की लोई बिल्कुल तैयार है। अब आपको क्या करना है, इस लोई को लहसुन की कलियों के ऊपर ले जाना है और हल्का सा दबाना है। ये देखें सभी लहसुन चिपक गए, हरे धनिए की प्लेट में ले गई हूँ, हरे धनिए को भी चिपका दिया है। इसी तरह हरी मिर्ची और चिली फ्लेक्स है उसमें भी आप इसे लोई को ले जाएँ और हल्का सा प्रेस करें। तो सभी चीज़ें इस लोई में चिपक चुकी हैं, गार्लिक, हरी मिर्ची, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। तो बस आप देख रहे हैं जो लोई इतनी सुंदर दिख रही है, तो ये पराठा तो बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों खाने में। हल्का सा मैंने अपने सादे गेहूं के आटे का पलथन लगा लिया है और हल्के हाथों से इसे बेलना शुरू करते हैं। लहसुन वाला हिस्से को मैंने चकले के पास रखा है और मेरी तरफ जो हिस्सा है वो सादा गेहूं के आटे वाला हिस्सा है जिससे कि हमें बेलने में परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं एक भी लहसुन की कलियाँ इस पराठे को बेलते समय अलग नहीं हुई हैं क्योंकि उस हिस्से को मैंने नीचे रखा है। तो ये बढ़िया हमारा पराठा बेल चुका है। सभी गार्लिक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े थे पराठे में बढ़िया अच्छी तरह से चिपक गए हैं। चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, हरी मिर्ची लगा दिया है मैंने और इधर गैस के बर्नर चालू कर दिया है। तवा हमारा हल्का सा गर्म हो गया है तो सिर्फ आधी छोटी चम्मच तेल डालकर इस तवे में मैं तेल को फैला रही हूँ। तो बस अब इस पराठे को पहले तो हमें दोनों तरफ से बिल्कुल सूखा सेकना है। अभी हम इसमें बिल्कुल तेल घी कुछ भी नहीं लगाएंगे, सबसे पहले पराठे को आप सूखा ही सेकें तो इससे हमारा पराठा नरम रहता है। यदि थोड़ा भी कच्चा रहेगा और हम तेल लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर पराठा उतना अच्छा सिक नहीं पाता और उसका स्वाद भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो बस ये पराठा सूखा सिक रहा है तब तक कि मैं दूसरी लोई भी बेल लेती हूँ। बस इसे भी रोटी जैसे बेल लिया है, आधी छोटी चम्मच घी लगाया है और थोड़ा सा मैं गेहूं के आटे को स्प्रिंकल करूँगी और जैसे हम पंखा फोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे फोल्ड करना है। और बस थोड़ा सा मैंने इस पट्टी को खींच दिया है और इस तरह से इसे रोल करेंगे। जो किनारे का हिस्सा है दोस्तों उसे हल्का सा प्रेस करें और फिर इस लोई को भी हम लहसुन के प्लेट में ले जाएंगे, हरी मिर्ची, चिली फ्लेक्स और हरे धनिए। तो सभी चीज़ें इसमें खूब अच्छी तरह से चिपक गई हैं दोस्तों। अब मैंने आटे का पलथन लगा लिया है हल्का सा और फिर इसे बेलूंगी। लहसुन वाले हिस्से को नीचे रखा है और इधर हमारा ये जो पराठा है दोस्तों दोनों तरफ से बढ़िया सूखा सिक चुका है। अब हम इसमें तेल लगाएंगे। यदि आप लोग को घी का पराठा पसंद है तो घी भी लगा सकते हैं, वैसे इस पराठे के साथ तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बढ़िया इसे तेल लगाएं दोनों तरफ से, चारों तरफ ये देखिए, और खूब अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा दबा कर इसे मैं सेक रही हूँ और खूब अच्छा इसे क्रिस्पी कर लेना। दोस्तों ये पराठा बहुत ही अच्छा लगता है, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप जब इसे बनाएंगे तो आपके घर में ये पराठा सबको बहुत पसंद आएगा और आपको खुद को भी ये पराठा बहुत पसंद आएगा।
तो ये देखें बढ़िया, अच्छा मैंने इसे चारों तरफ से खूब अच्छी तरह से दबा दबा के सेक लिया है और पराठा अच्छा क्रिस्पी हो गया है। बस अब आप चाहें तो इसे तवे से उतार लें और दूसरे पराठे को इस पर डालें और इस तरह से आप दोनों चिली गार्लिक पराठे को बढ़िया सेक लें। इस पराठे को आप सिर्फ हरे धनिए की चटनी से भी खाएंगे ना दोस्तों, तो आपको ये पराठा बड़ा अच्छा लगेगा। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको इसकी परत खोलकर दिखाती हूँ। इसकी एक एक लेयर बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी और जो गार्लिक बढ़िया सिक रहा है उससे इसमें और भी ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो बस इसी तरह से मैं दोनों पराठे को सेक लूँगी और ये हमारे गर्मा गर्म चिली गार्लिक पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। चाहे दही के साथ खाएं, हरे चटनी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये पराठा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। तो मैं दूसरा पराठा भी ऐसे ही सेकूंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।